पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद देश भर में शुरू हुई राजनीति का असर मुरादाबाद तक पहुंच गया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए यहां भी कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि हमें गिरफ्तार करें, मगर पुलिस ने गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी ज्ञापन देकर चले गए। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मुरादाबाद में भी कांग्रेसियों में गुस्सा है। कांग्रेस जिला और महानगर कार्यालय पर सुबह से ही कांग्रेस जुटनी शुरू हो गई थी। सुबह करीब 11 बजे गुरहट्टी से जिला इकाई और चौमुखा पुल से महानगर इकाई के कार्यकर्ता कोतवाली के लिए रवाना हुए। कोतवाली में पहुंचकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां कांग्रेसी पुलिस कर्मियों से बोले कि हमें गिरफ्तार कीजिए, मगर पुलिस ने गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया। मालूम है ये भी दो दिन पूर्व जो केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को तांडव लखीमपुर खीरी के अंदर रचा गया है। ये जो एक विनाश का काम करा है उन्होंने, जो तमाम आपने वीडियो वायरल हुए देखी, कल प्रियंका गांधी जी भी लाइव आई थी, उन्होंने दिखाया था अपनी जो उन्होंने दिखाई वीडियो, उसे देख के भी जो है तमाम लोगों की रूह खड़ी हो गई कि जो हरकत उन्होंने करी है ये दरिंदा ही कर सकता है। दरिंदा ऐसी हरकत कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। बहरहाल हम लोग क्योंकि जो है उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, परसों रात से अध्यक्ष जी के निवास पर और मेरे निवास पर भी जो है पुलिस ने अपनी नाकाबंदी कर रखी थी, ऐसे जैसे हमने कोई जो है गलत काम करा हो। हमने ज्ञापन दिया था, आप लोगों को मालूम है, कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया था, लेकिन हम ताकि आवाज़ ना उठा सकें इस आवाज़ को दबाने का काम करा गया कि हमें घर में रोका जाए। हमारे एक कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकलना दिया है, लेकिन हम प्रियंका जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं। हम लोग आज सड़कों पर निकल के आए, हमने साबित करा कि एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, चाहे पुलिस कितनी तानाशाही कर ले, कितना दबाव बना ले, कितने मुकदमे पे लिख ले। एक एक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी को रिहा कराने सड़कों पर उतर आया है, और जब तक प्रियंका जी रिहा नहीं होंगी हम लोग यहाँ भी आने देंगे। आज हम तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आज जो है यहाँ गिरफ्तारी दी है, हमें जो है कोतवाली पे लाके यहाँ बंद कर दिया गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं, जब तक हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया। कितने लोग मरे थे वहाँ पे थे किसान? देखिए आप जानते हैं किसानों वहाँ पे जो 8 जो है मौतें दिखाई हैं, लेकिन उन्हें 5 किसान जो की हत्या हुई हैं उनके लिए तमाम जो है मांग उठा रहे हैं। ये भी कहता कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। तमाम वो सब जैसी भी कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे खाना पूरी कर रहे हैं ये लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोग जो है किसानों की आवाज़ उठाएंगे, कभी किसानों की आवाज़ को दबने का काम नहीं करना। उनका पिताजी तो ये कह रहा था मेरा बेटा वहाँ पर मौका पर नहीं था। देखिए वो क्या कह रहे थे ये तो सवाल आप उनसे पूछे, लेकिन तमाम जो वीडियो साबित कर रही है इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, तो वीडियो सामने है, कौन कहा था, कौन गाड़ी से उठ के भाग रहा था, किसने क्या करा, गोली भी चली थी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।